अल्लाह पर भैया दसवीं पांच बच्चों को, देखिए पांच भी नहीं क्या होता, उन बच्चों को याद रखते हैं, लंबी कहानी लगती उसकी। मतलब कि तो मैं क्राइम कर लो आप लोग कि आप जो है ऐसा हो गया जैसे आईआईटी बन गया तो खुदा बन गया देश के अंदर, वो माहौल नहीं है वो। और वो आप जो है नब्बे पास चीनी और कोचिंग क्लास में आ जाते हैं और वो तो नाम लिखते हैं फर्जी स्कूल के अंदर नाम लिखते हैं, स्कूलों में लिखते नाम, आप शिक्षा मंत्री नाम तो कटवा दीजिए उनसे। जो आईआईटी के कोर्स कोचिंग कर रहा है और वो खाली वहां ड्यूटी हारी लगवाता है वहां पर बच्चा, वो पेरेंट की भी गलती है और कोचिंग क्लास की शर्तों की गलती है। आप उनकी जमीन नाम भरवा करके आप उनको कोचिंग करवा रहे हो, बच्चा स्कूल जाता ही नहीं वहां पर। तो ठीक है कि ये वक्ता ने कहा था, एक तरफ तो उसको नौवीं पास दसवीं पास करनी, उसका भार अलग है, वो भी तो आपका वो जो एग्जाम होता है बोर्ड का होता है। तो दसवीं पास ग्यारहवीं पास बारहवीं पास करो, साथ में कोचिंग पढ़े पढ़े करो, तो अपना प्रेशर बढ़ जाता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो कमियां हैं खामियां उसको आप दूर करें, सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी, आपको कर सकते कि आप ये सिस्टम जो बन गया है समय के साथ बन जाता है, कई बार गलती भी होती है, सुधारने का वक्त आ गया, क्योंकि बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। खबर से अखबार आते हैं बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आपने जब विचारा था दो दिन पहले सुसाइड हो गया था, बाद मालूम पड़ा। तो इसको कोई भी सिस्टम बनाए जिससे कि नौबत नहीं आए, नौबत सुसाइड करने की आए नहीं। ये माहौल कॉलेज में अभी सख्त होना चाहिए, माहौल बनाने की वजह आपकी है, कहते वहां हमेशा खुश न माहौल रहे, बच्चे समझे कि मैं अगर यहां आया हूं तो पूरा परिवार मेरे साथ में खड़ा है यहां पर।